तो दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें हमें दिखाया गया है आज से हजारों साल पहले हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इस मूवी को ज़रूर एक बार देखें। तो मूवी की शुरुआत एक फेयरवेल पार्टी से होती है, जहाँ हम ल्यूक को देखते हैं जो कि एक एस्ट्रोनॉट है। कुछ दिन बाद वो मंगल ग्रह में एक मिशन के लिए जाने वाला है। इस मिशन में ल्यूक से पहले जिम जाने वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी की डेथ हो चुकी है। इसीलिए इस मिशन में भी ल्यूक को भेजा जा रहा है। और ये सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। फिर कुछ दिन बाद ल्यूक अपने टीम को लेके मंगल ग्रह जाने के लिए निकल पड़ता है। और ऑलमोस्ट 6 महीने बाद वो सब मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और मंगल ग्रह के सिडोनिया इलाके में लैंड करता है। वहाँ लैंड करते ही उन्हें एक पहाड़ जैसा कुछ दिखता है, जिसे देख के वो सब एक बर्फ़ का टुकड़ा समझते हैं। लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में बर्फ का होना नामुमकिन है। जिसके बाद ल्यूक इस पहाड़ के बारे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मैसेज भेजता है, जहां सबको इस पहाड़ को देख के चौंक जाते हैं। ल्यूक और उसके बाकी टीम को इस पहाड़ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिग्नल दे दिया जाता है, जिसके बाद ल्यूक अपने टीम को लेके इस पहाड़ के करीब जाता है। और पहाड़ के करीब जाते ही उन्हें एक अद्भुत आवाज़ सुनाई देता है। फिर ये अपने एक रेडार से उस पहाड़ के तरफ एक रेडियो सिग्नल भेजता है, और वो रेडियो सिग्नल जाते ही इनका डिवाइस अचानक से काम करना बंद कर देता है। और रेडियो सिग्नल के बंद होते ही उस पहाड़ में एक तूफान आ जाता है, जो कि एक टॉर्नेडो में बदल जाता है। और ये टॉर्नेडो जोर से आवाज करने लगता है, लेकिन हमारे पृथ्वी में ऐसा टॉर्नेडो कभी नहीं हुआ है। धीरे धीरे ये टॉर्नेडो सब कुछ अपने अंदर निगलने लगता है, और इसमें से एक पत्थर रीमी के सर में आके लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के सब कोई भागने लगते हैं, लेकिन ये टॉर्नेडो सारे एस्ट्रोनॉट्स को अपने अंदर निगल लेता है, जिसके बाद ये तूफान अचानक से बंद हो जाता है। इस तूफान से एक बहुत बड़ा एनर्जी क्रिएट होता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस स्टेशन की कांटेक्ट टूट जाता है। और एनवायरनमेंट के क्लियर होते ही हमें एक बहुत बड़ा इंसानों जैसा फेस दिखता है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में इन्हें समझ में नहीं आता है कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ इनके कांटेक्ट टूट कैसे गया। और ये सोचने लगते हैं कि मंगल ग्रह में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण इनके सारे क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। फिर जैसे ये दूसरे सैटेलाइट को अपने स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें ल्यूक का एक मैसेज मिलता है, जहाँ ल्यूक कहता है, यहाँ मंगल ग्रह में एक बहुत बड़ा तूफान आया है, जिसके कारण मेरे बाकी साथी मारे गए हैं। और तभी अचानक से सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर ये सब स्पेस में जाके ल्यूक को बचाने के लिए एक प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ इनका चीफ इनसे कहता है कि तुम लोग जब तक स्पेस पहुंचोगे, तब तक शायद ल्यूक जिंदा भी नहीं होगा, तो इस रेस्क्यू मिशन का कोई मतलब नहीं बनता है। और उन्हें इन मिशन में जाने से मना कर देता है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है। लेकिन ये चारों अपने चीफ को इस रेस्क्यू मिशन के लिए मना लेता है, क्योंकि ल्यूक इन चारों का बहुत अच्छा दोस्त है। फिर ये चारों ल्यूक को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन में निकल जाते हैं। रास्ते में फिन चॉकलेट से अपनी गर्लफ्रेंड की डीएनए का मॉडल बनाता है, जिस मॉडल में से जिम एक चॉकलेट निकाल के खा लेता है। फिर कुछ महीने बाद वो सब मंगल ग्रह तक पहुंच जाते हैं। फिर सब कोई लैंडिंग की तैयारी करने लगते हैं, और तभी स्पेस में कुछ छोटा छोटा पत्थर इनके शिप के साथ टकराने लगते हैं, जिनमें से एक पत्थर शिप के अंदर आ जाता है और फिन के हाथ से टकराता है, और फिन के हाथ से खून निकलने लगता है। मतलब कि अभी शिप में होल हो चुका है और शिप के अंदर से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, और धीरे धीरे शिप के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है, जिसके बाद इनके हाथ में बस 4 मिनट बचता है शिप को रिपेयर करके ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल करने के लिए। और फिन के हाथ से जो खून निकलता है वो पर्टिकुलर उस होल की दिशा में जाने लगता है, जहां से वो खून बाहर स्पेस में जा रहा था, जिसके बाद ओडी उस होल को रिपेयर कर देता है। लेकिन अभी भी शिप में एक दूसरा होल है, जो कि शिप के निचले हिस्से में है। फिर ओडी शिप से बाहर निकल के उस होल को रिपेयर करने के लिए जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ओडी को वो होल नहीं दिखता है। और देखते ही देखते शिप के अंदर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, और जिम को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, जिसके बाद टेडी एक ऑक्सीजन मास्क लेकर जिम को दे देता है, ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। बाहर ओडी को वो होल नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो जिम से मदद मांगने लगता है। तभी जिम टेडी को एक लिक्विड का पाउच देके उसमें से लिक्विड बाहर निकालने के लिए कहता है, और लिक्विड जैसे ही बाहर निकलता है वो सारे लिक्विड उस होल के दिशा में जाने लगता है, जिससे उडी को होल का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। लेकिन स्पेस का टेम्परेचर -270 डिग्री होने के कारण लिक्विड उस होल से बाहर निकलते ही बर्फ बन जाता है। फिर उडी उस होल को रिपेयर करके अंदर आ जाता है, जिसके बाद शिप दोबारा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी भी एक होल बचा हुआ है, और इस होल के बारे में इनमें से किसी को भी नहीं पता है। और ये होल बाहर फ्यूल पाइप में हुआ है,
जहां से फ्यूल बाहर स्पेस में निकलने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, फ्यूल पाइप से बाहर निकलते ही बर्फ बन जा रहा है। फिर सब कोई मंगल ग्रह में लैंड करने वाला होता है, लेकिन उतने में वो फ्यूल फ्लोट करते हुए शिप के पिछले हिस्से में चला जाता है। और जिम जैसे ही शिप की स्पीड बढ़ाने के लिए इंजन को ऑन करता है, तभी शिप के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे शिप का इंजन भी टूट जाता है। जिसके बाद मंगल ग्रह के ग्रेविटी के कारण ये सब मंगल ग्रह के तरफ आकर्षित होने लगते हैं और शिप बहुत स्पीड से मंगल ग्रह के तरफ क्रैश होने लगता है। ये देख के सब कोई शिप से बाहर निकल जाता है और तभी उडी को याद आता है, आज से बहुत साल पहले नासा एक रीसप्लाई मॉड्यूल स्पेस में लॉन्च किया था, जिससे वो सब अपने आप को कनेक्ट करके मंगल ग्रह में इजीली लैंड कर सकते हैं। फिर उडी एक वायर ले जाकर अपने आप को रिसाइकल मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, जिससे वो मंगल ग्रह में क्रैश लैंड करने लगता है। दूसरी तरफ सब कोई अपने आप को पहले उस रिसाइकल मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करता है, फिर उडी की वाइफ टेडी उसको बचाने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। यहाँ उडी अपने वाइफ को उसके तरफ आने से मना करता है, क्योंकि उसके सूट में उतना फ्यूल नहीं है कि वो रिटर्न जा सके। और अब सब कोई समझ जाता है कि उडी नहीं बच सकता है, और इसीलिए उडी अपना हेलमेट खोल लेता है। तभी वहाँ पे वो फ्रीज होके मर जाता है। ये देख के टेडी बहुत रोने लगती है। फिर सब कोई उस रिसाइकल मॉड्यूल के द्वारा मंगल ग्रह में लैंड कर जाते हैं। फिर सब कोई लैंड करते ही बेस कैंप के तरफ जाने लगते हैं, और बेस कैंप पहुंच के देखते हैं कि बेस कैंप पूरा खाली है। दूसरी तरफ जिम शिप के अंदर जाके सब कुछ देखने लगता है, और तभी जिम नोटिस करता है कि शिप के अंदर अभी भी ऑक्सीजन है, और वो अपना हेलमेट निकाल लेता है। फिर जिम ग्रीन हाउस की तरफ जाके देखता है, वहां का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है और वहां पानी भी रखा हुआ है। तभी अचानक ल्यूक बाहर आके जिम के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ ल्यूक समझ रहा था कि वो ये सब हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे फिन आके जिम को बचा लेता है, और ल्यूक नॉर्मल होते ही सबको देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर ल्यूक इन सबको उस फेस की इमेज और उससे आने वाली आवाज को सुनाता है, और इनसे कहता है, इस फेस में से जो आवाज निकल रहा है वो तीन पैटर्न में डिवाइडेड है, और इन पैटर्न्स को जब एक जगह जोड़ता है तो वो एक इंसान का डीएनए की तरह दिखने में लगता है। और ये सब समझते हैं कि ये शायद एक इंसान का डीएनए है, लेकिन तभी टेडी इन सब से कहती है कि ये कोई इंसान का डीएनए नहीं है, क्योंकि इस डीएनए सैंपल में क्रोमोसोम का लास्ट स्पेयर मिसिंग था। चिंपैंजी और इंसान के डीएनए में केवल मात्र 3% का ही डिफरेंस रहता है। ये और कुछ भी हो, लेकिन एक इंसान नहीं है। इसका मतलब ये कोई इंसान नहीं, एक एलियन है। फिर दूसरे दिन जिम बात करते करते उसको वही डीएनए याद आता है जो कि फिन अपने गर्लफ्रेंड के लिए बनाया था, और तभी जिम समझ जाता है ये कोई फेस का डीएनए नहीं, एक मैसेज है जो कि जानबूझ के हमारे तरफ भेजा जा रहा है, और उस मिसिंग क्रोमोसोम को हमें ढूंढना होगा, जिसे इस डीएनए के साथ ऐड करके उस फेस के तरफ हमें एक सही रिप्लाई भेजना होगा। फिर सबको इस क्रोमोसोम का लास्ट पेयर को ढूंढ के उस डीएनए में ऐड कर देता है, जिसे ऐड करने के बाद उनके पास एक सिग्नल आंसर के तौर पर रेडी हो जाता है। फिर वो सब एक रोबोट को उस फेस के तरफ भेजता है। रोबोट उस फेस के पास जाके वही सिग्नल आंसर के तौर पे उस फेस के तरफ भेजने लगता है, और ये सिग्नल सही होता है, जिसके कारण उस फेस का एक दरवाजा खुल जाता है, और उस दरवाजे के खुलते ही एक रोशनी उसके अंदर से बाहर के तरफ आता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो सब उस फेस के अंदर जाते हैं, लेकिन फिन को शिप के अंदर ही वेट करने के लिए कहते हैं, और फिन को ये कहते हैं कि अगर हम लोग सही टाइम तक वापस नहीं आए तो तुम अकेले ही पृथ्वी पे वापस लौट जाना। और जैसे ही वो सब फेस के अंदर जाते हैं, फेस का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फेस के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल पृथ्वी के तरह नॉर्मल होता है, जिसलिए सब कोई अपना अपना हेलमेट निकाल देता है। फेस के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें सोलर सिस्टम का एक 3D प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। जो सोलर सिस्टम उन्हें उस 3D प्रोजेक्शन में देखने को मिलता है, वो आज से करोड़ों साल पहले का है, जब मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के तरह दिखने में था, और उस वक्त मंगल ग्रह में एलियंस रहा करते थे। लेकिन एक दिन एक उल्कापिंड मंगल ग्रह से टकराने के कारण मंगल ग्रह का विनाश हो जाता है, और तभी उनके सामने एक एलियन आता है, जिसे देख के ये सब डर जाते हैं। और तभी वो एलियन इनसे कहने लगता है, जब मंगल ग्रह का विनाश हुआ था तब हम सब छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट पे करके स्पेस में निकल गए थे एक नए प्लैनेट ढूंढने, ताकि उस नए प्लैनेट में हम लोग रह सके, और उनमें से एक शिप को हमारे डीएनए के साथ हम लोग पृथ्वी में भेजते हैं, ताकि पृथ्वी में जीवन उत्पन्न हो सके। और इसी तरह आज से करोड़ों साल पहले हमारे डीएनए के कारण पृथ्वी में जीवन का शुरुआत हुआ था। और दोस्तों, हमें यहाँ दिखाया गया है हम इंसानों का जन्म इस पृथ्वी में कैसे हुआ है। सबसे पहले उन एलियंस के डीएनए से सिंगल सेल बना था, फिर उन सिंगल सेल से मछली, और उन मछली से जानवर, जानवरों से डायनासोर, और आखिर में बने थे हम इंसान। इसी तरह एलियंस के डीएनए की एवोल्यूशन हुआ था, और उनसे बने थे हम। उसके बाद उस एलियन का उसके नए प्लैनेट में जाने का वक्त हो जाता है, जहां बाकी एलियंस रहते हैं,
और जाते वक्त इन तीनों में से किसी एक को उसके साथ जाने के लिए कहता है। और यहाँ जिम उस एलियन के साथ उनके प्लैनेट में जाने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद ल्यूक और टेडी को वो गुड बाय कह के एक कैप्सूल के अंदर चला जाता है और वो कैप्सूल बंद हो जाता है, जिसके बाद ल्यूक और टेडी भी उस फेस के अंदर से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ फिन ऑलमोस्ट टेक ऑफ करने ही वाला होता है, तभी उसे ल्यूक का मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो उन दोनों को लेके पृथ्वी के तरफ टेक ऑफ कर देता है। और दूसरी तरफ जिम भी उस एलियन के साथ उनके नए प्लैनेट के तरफ चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सबकी सपोर्ट मिले तो ही मैं मोटिवेट हो सकता हूँ और आगे और भी अच्छी अच्छी मूवीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।